शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन में एक्सपो में पार्टिसिपेट करे हैं। नियरली हमारे 159 प्रोजेक्ट्स हैं आज के, एंड इस 159 प्रोजेक्ट्स में ब्रॉड वे से फ्रॉम आर्ट कल्चर और आगे थोड़ा रोबोटिक्स लेवल पे एंड कंप्यूटर साइंस के कोडिंग अलॉन्ग विद दैट हर रिलीजियस के एक कल्चर वाइज हमने एक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं एंड क्लियर कट सारे बच्चों की खूब मेहनत हुई है इसमें। एग्जीबिशन रखा ये बहुत अच्छा है। मेरा बेटा फोर्थ स्टैंडर्ड से यहाँ है, लेकिन ये शाहीन आने के बाद ये फर्स्ट टाइम में सभी पेरेंट्स को बुला के ये सब फर्स्ट टाइम देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लगा। मुझे आज शहीन स्कूल के साथ फैमिली के साथ आकर बहुत मुझे अच्छा लगा और हर क्लास को कहना विजिट करा, बच्चे कहने ऐसा छोटी उम्र में इतने तरक्की और इतने अच्छा एक्सप्लेन करे, मुझे आज शहीन स्कूल का आकर बहुत बड़ा क्या है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और शहीन स्कूल के पूरे असातिज़ा टीचर्स को मैं क्या मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एंड ऊपर से मॉर्निंग हमारे इस एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर अब्दुल खदीर सर के थ्रू हुआ। अलॉन्ग विद दिस इनॉग्रेशन ऑफ द एग्जीबिशन उन्होंने क्या किया था, दो और मेन अहम चीज़ों का इनॉग्रेशन हुआ है। एक डिजिटल लाइब्रेरी का सेटअप हुआ है हमारे कैंपस में। इस डिजिटल लाइब्रेरी में साइंस फिक्शन से लेके कॉमिक्स एज वेल एज बहुत सारे जो रियल टाइम स्टोरीज हैं इसका कलेक्शन हमारे लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन के साथ हमारा एक और जो इनॉग्रेशन हुआ है वो कंप्यूटर लैब का इनॉग्रेशन हुआ है। अब इस कंप्यूटर लैब की खासियत क्या है, जो बच्चा हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर नाइन्थ स्टैंडर्ड तक कंप्यूटर क्लासेस अटेंड करेगा, हमारे पास वीकली ट्वाइस कंप्यूटर क्लासेस रखने वाले हैं हम। अब इस वीकली ट्वाइस कंप्यूटर क्लासेस फर्स्ट से नाइन्थ तक जो बच्चा कंप्लीट करेगा, नाइन्थ स्टैंडर्ड का बच्चा एक वेबसाइट बनाने लायक होगा। नाइन्थ स्टैंडर्ड का बच्चा जो कंप्यूटर साइंस में नॉलेज रखेगा दैट विल बी इक्वलेंट टू द नॉलेज ऑफ ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर।